हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या आप बीच वॉलीबॉल के बारे में कुछ जानते भी हैं? वैसे तो इंडोर वॉलीबॉल के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको बीच वॉलीबॉल के बारे में थोड़ा बताऊंगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं बीच वॉलीबॉल सिर्फ बीच पे खेला जाता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। बीच वॉलीबॉल रेत में खेला जाता है। जो भी वॉलीबॉल मैच रेत में खेला जाए उसे हम बीच वॉलीबॉल कह सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कोर्ट से कि इस कोर्ट का साइज कितना होता है। इसके कोर्ट का साइज होता है 16x8 मीटर, मतलब 16 मीटर लॉन्ग होता है। जो उसकी ब्रिथ होती है वो होती है 8 मीटर की। दोस्तों अब बात करते हैं एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। एक टीम में दो खिलाड़ी होते हैं, दो इस तरफ और दो उस तरफ, और इनकी कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं होती जैसी इंडोर में होती थी। ये राइट खड़ा होता है और एक लेफ्ट में साइड खड़ा होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसमें कितने सेट्स होते हैं। इसमें 3 सेट्स होते हैं, 21, 21 और 15 का। कोई भी टीम 2 सेट जीते उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि शुरुआत की कोई टीम दोनों सेट जीत गई तो आगे का सेट नहीं होता, मतलब तीसरा सेट नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा हुआ पहला सेट पहली टीम जीत रही, दूसरा सेट दूसरी टीम जीत गई, तो तीसरा सेट होगा वो निर्णायक सेट होगा और वो भी 15 का। दोस्तों अब आखिरी बात उसमें नेट कितना होता है। जो मेंस में जो नेट होता है वो होता है 7 फुट 11 इंच का, लेकिन जो वुमेन्स में नेट होता है वो थोड़ा सा छोटा कर दिया जाता है और 7 फुट 4 इंच का नेट रह जाता है। चलिए गाइज यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें बिना मत जाए।